माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिललाहिल अलीयिल अज़ीम। औज़ु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन खातिमिन नबिय्यिन मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद। اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم جميعا أما بعد فقد قال المعصوم عليه الصلاة والسلام السلام عليك يا ممتحن تو امتحن کے لئے خلق کے قبل ان يخلق کے صلاة اللہ محمد وآل محمد اکرام علماء کی موجودگی سرپرستے کے لئے کافی ہے اور ان کا سامنے موجود ہونا ہمت افزائی کی एक ऐसी किरण है कि जो पढ़ने वालों को और हम जैसे मुख्तलियों जो है एक तहरीक फराहम करती है कि हम जो टूटी फूटी चीज़ें हमने सीखी हैं वो पेश की जाए। अक्सर बीस्तर ऐसा हुआ है कि लोग ये सवाल करते हैं कि ये दुआए कुमैन जो होती इसमें एक ज़माना था कि वो पूछते थे कि ये दुआए कुमैन में लुत्फ क्यों आता है। तो हमने कहा उसी वक्त लुत्फ पैदा होता है कि आप बैठ के जब दुआ पढ़िए तो ये सोचिए कि जो पीछे बैठे हैं वो हमसे इस कदर बुलंद हैं कि वही इस दुआ को पढ़ सकते हैं, हम उनकी नियाबत में इस दुआ को पढ़ रहे हैं। और मजलिस पढ़िए तो ये सोच के कि हमारी हौसला अफजाई हो रही है, बुजुर्ग हमारे सामने बैठे हैं और वो खुश हो रहे हैं, दाद दे रहे हैं। और यही एक रिश्ता है कि इंसान को औज इनायत करता है, क्योंकि जो फलदार दरख्त होता है बहरहाल वो झूलता है। मैंने जब इस अशरे की इब्तिदा की थी ज़ाहिरन ये मजलिसें तो बहुत ही ऐसी हैं कि इसमें जो आज़ादार आते हैं उनकी बड़ी अजमत है। हमारे जुमा के खुतबे में उन्होंने बड़ी उम्दा बात कही और इस बात को पेश किया कि हम लोगों को दूसरी कौमों के सामने जाना चाहिए और अपने इस मकसदे करबला और पैगाम करबला को जो हम इतने दिनों से अपने अंदर अर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी नूर की ताबानी से दूसरों को भी दूसरे भी उससे इस्तेफादा करें। इसी मुमरा में एक सरदार लोगों का प्रोग्राम होता है, उमूमन आम लोग उसमें नहीं जाते लेकिन मैं उन प्रोग्राम में जाता हूँ। जब उस प्रोग्राम में शिरकत के लिए इत्तेफाक से मजलिस मुहर्रम की मजलिस से 3-4 दिन पहले प्रोग्राम था, तो प्रोग्राम में जब हम दाखिल हुए तो उसमें लोग आए और उन्होंने कुछ फूल लिए और वो कदमों पे डाले और फिर आगे ले जाके बिठाए। खैर प्रोग्राम तो खत्म हो गया, उसके बाद मजलिस थी। तो वो जब मजलिस में जाके बैठे तो वो तसव्वुर दिमाग में आया कि यहाँ हम जैसे लोग जब पहुँचे तो उनके वहाँ ये कैफियत है कि लोगों ने फूल कदमों पर डाले। सच बताइए जब फर्श अदा पर कोई आज़ादार आता होगा तो फरिश्ते उसका इस्तकबाल करने के लिए कैसे आगे बढ़ पाए, क्योंकि वो चीज़ें हमारी नज़रों से पोशीदा हैं, इसलिए हम लोग उस मंजिलत को उमूमन नहीं जान पाते। तो जब ये अशरा हुआ तो जाहिर बात है कि हर
जाकिर और आलिम अपने अपने तौर पर किसी उनवान को मुतय्यन करता है या वो सोचता है कि इस मौजू को क्या है, और हम जैसे तालिब इल्म में उनको कभी मौका फराहम नहीं होता, क्योंकि जो पब्लिक फिगर रहता है उसके लिए मुश्किल ये रहती है कि उसको सबको खुश करना, और जो दुनिया दुनियावी हालात हैं उसमें आप जानते हैं कि दुनिया में सबको खुश नहीं किया जा सकता। बहरहाल जहाँ तक इंसान, तो हमने उनवान ये रखा कि छोटी छोटी चीज़ों को लिया जाए और मकसद करबला को उससे जोड़ा जाए। आज चूँकि रवीज भाई की तरफ से हम लोगों को मैसेज था कि इस साल सवाब की मर्जी से मैं चाहूँगा कि कम से कम एक मरतबा सो रहे हैं हम, बल्कि हम उस माँ को बख्श दें जिसके लिए मरकज कराई गए। चूँकि ईसा अलैहि सलाम की मजलिस है और बहरहाल अशरे में हम लोगों ने सोचा है कि वो दुआएँ जो हमारे सामने रहती हैं, लेकिन कुछ ऐसे अल्फाज हैं कि जिसके ऊपर आप रुक जाते हैं और उसके आगे आप पढ़ते ही नहीं। कुछ ऐसे कलमात होते हैं जब हम पढ़ते हैं उसको तो वहाँ पे हमेशा इंसान का जहन क्यों रुक जाता है, हो सकता है शायद मेरे साथ ऐसा हो जाए, दूसरों के साथ भी ऐसा हो। अमीर मोमिनीन के बाद कलमात आप देखें, तो ये जो मैंने आपके सामने अभी ज़ियारत का एक टुकड़ा पढ़ा, ये ज़ियारत का बैकग्राउंड थोड़ा सा आपके सामने उलमा के जानते हैं मुझसे भी, इसका पसे मंज़र ये है कि एक शख्स इमाम के पास पहुंचा और इमाम कैद में थे साथ में इमाम, तो बहुत सारे लफ्ज़ ऐसे इस्तेमाल होते हैं कि वो हमें समझ ही में नहीं आते, तो उनको समझना चाहिए। तो हो सकता है कि हमने उस लफ्ज़ को पढ़ा हो 15 साल की उम्र में लेकिन समझ में आए, या किसी बुज़ुर्ग ने उस तरफ इशारा किया 25 साल में। तो बाज़े वक्त हम बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, समझते हैं आलिम की क्या ज़रूरत है, आलिम की वही ज़रूरत है कि जो हमने गलत तौर पर अपने लिया है अर्ज़ किया है उसके माने से वो चीज़ें अलग हैं। तो उलमा के पास इसीलिए जाने को कहा गया है कि जहाँ हमारी फ़िक्र जो रुक जाती है तो वो बहुत आसानी से उन रुकी हुई फ़िक्रों को और जो रुकावटें रहती हैं उनको दूर कर दिया करें। रावियों का भी यही हाल था कि वो चाहते थे, वो बताते थे, कभी कभी ऐसा होता था कि जो इमाम है वो फौरन किसी सवाल का जवाब नहीं देते। अक्सर आपने इस वाक्य को सुना होगा, चूँकि आ गया जिमनन इसका तस्करा मैं कर लूँ कि अबू हनीफा पहुँचे इमाम के पास, दरवाज़ा खटखटाया तो वो ग़ुलाम बाहर निकला, क्या बात है, कहा मैं इमाम से मिलना चाहूँ, उन्होंने कहा रुको मैं इजाज़त तलब करता हूँ। थोड़ी देर वापस आया, उन्होंने कहा कि आपको इजाज़त इमाम ने नहीं दी। दरवाज़ा उसने बंद कर दिया। आप ये सोच रहे हैं कि मुझे क्यों इजाज़त नहीं, कितनी देर में इन्होंने देखा तकरीबन 50-60 लोग कहीं से आए, उन्होंने दबकुल बाप किया, उसी गुलाम ने खोला, क्या बात है, कहा इमाम आपको इमाम से मिलना है, पहले मैं इजाज़त तलब करके आता हूँ। वो गया, उसने इजाज़त तलब की, इमाम ने बांधे तो उनको, अब वो हमारे वहाँ यूपी में कहते हैं तिकड़म, कि भाई वो किसी तरह कुछ किया, उन्होंने मौका दे 50 लोग हैं उनके साथ चले चलो, तो चले गए इमाम, अब जाके बैठ गए। इमाम ने देखा, सलाम किया, वहाँ अब इमाम बात कर रहे हैं, तो इमाम ने कहा आप लोगों का किसी को कुछ सवाल है तो ना फरमाइए, कहा कि ये जो
बुजुर्गाने दीन को लोग बुरा भला कहते हैं, तो आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि ये लोग इनको बुरा भला ना कहें। इमाम का देखो भाई, लोगों पे मेरा कोई बस नहीं है, लोग मेरी बात नहीं मानते। अरे ऐसे कैसे नहीं मानते, आप तो रसूल अल्लाह के बेटे हैं। कहले नहीं, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, सुन लो कि लोग मेरी बात नहीं मानते। ऐसे कैसे नहीं मानते, फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि आप आले रसूल हैं, आप रसूल अल्लाह के बेटे हैं, और फिर आप ये जो है एतराफ़ कर रहे हो, कह रहे हैं कि लोग हमारी बात नहीं मानते। जब दो मरतबा कहा तो आप इमाम के चेहरे पर जलाल आया, और उन्होंने कहा सुन, क्या तूने मेरी बात मानी, मैंने तुझको कहा था नहीं आना और तू उस रास्ते से चला आया, तो जब तेरे जैसा शागिर्द मानने से इनकार कर रहा है तो फिर आम बात, आम लोगों की बात ही क्या। तो अक्सर ये होता था कि लोग जाते थे लेकिन बोले हमको नहीं मालूम रहता था, जैसे आप मफादी जनान में किसको पढ़ेंगे कि वो शख्स गया बैठा था, तो वो जिस जिंदान के हाकिम के पास गया, जिसका घर जिंदान के तौर पर था, तो वो उसने देखा कि वो वहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा है साहिबुल गुरीब, तो वो साहिबुल गुरीब कहते थे पोस्टमैन को, तो ख़त पहुँचाता था क्योंकि उसके हाथ में लकड़ी रहती थी और वो जगह जगह जाता था। तो उसने हाकिम ने कहा था रुक जाओ बाद में बात करते हैं, जरा उनको जाने दो। और जब चले गए तो उसने पूछा कि किस लिए आए, कहें आपकी खैरियत जानने के लिए आए। तो उसने कहा ये क्यों नहीं कहता कि इमाम से मिलने के लिए आए। उसने कहा कि ये क्यों नहीं कहता कि तू मिलने के लिए आए अपने साहब से, तो कहा खलीफा मेरा साहब है। मामला इतना था, सोचिए, मैंने आगे ने एक बहुत अच्छी बात कही थी ना कि अहले बैत के राजों को छुपाइए, तो छुपाइए ज़रूरी नहीं कि हर जगह आला लेलान हर बात बयान ही कर दी जाए। तो जब ये जुमला कहा कि वो खलीफा मेरा साहब है, तो उसने खामोशी से कहा कि सुन, जो तेरा साहब है वो मेरा भी साहब, अच्छा वहाँ चला जा। अब ये गया वापस है, उसने कहा वहाँ तो कोई भी नहीं, कहा तो ज़रा गौर से तो देख। उसने कहा नहीं, वहाँ पे कपड़ा बिछा हुआ है। कहा वही वही कपड़ा तेरे इमाम, इमाम सर सजदे की हालत में सामने कब्र खुली हुई, वो ये देख के रोने लगा। तो इमाम ने कहा नहीं, तू यानी ये मत समझ के हमारी शहादत अभी बात होगी, क्या बात है। उसने कहा इमाम एक हदीस पूछने के लिए आया हूँ। क्या है हदीस? हदीस मैंने सुना है कि अगर कोई ये जो दिन है उनसे दुश्मनी न करो, दिनों से दुश्मनी न करो, ये एक हदीस सुनी मैंने। ये दिन कौन से दिन है? कहा ये दिन हम हैं, हम लोग हैं। शनिचर का दिन हमारे जद रसूल अकरम का दिन है, दिन उनकी ज़्यारत है। तो अगर किसी ने ज़्यारत नहीं पढ़ी तो गोया ऐसा है कि उसने हमसे दुश्मनी की। बस यहीं तक रखो, नहीं तो बात बहुत ज़्यादा फैल जाएगी और मसला हो जाएगा कि फिर वीर को क्या हुआ और मंगल को क्या हुआ। तो आपको ज़्यादा उमूमन मोमिनीन पढ़ते रहते हैं, यानी हम लोग नहीं कह सकते पढ़ते नहीं रहते, तो हम सुनते तो हैं, बिन चैनल पे आ रही हैं या किसी चैनल पे आ रही हैं। अब आप इस ख़ास ज़्यारत के टुकड़े की तरफ जाएंगे, अजीब व गरीब टुकड़ा है क्योंकि ज़्यारत दो है उनकी, तस्करा एक माँ का है, तो कोशिश की है कि माँ से कुछ बातें मरबूत आपके सामने बयान कर दीजिए। आप ये बताइए कि आपने आजकल की दुनिया में जब कोई चीज़ आप लेते हैं तो उसके ऊपर एक जुमला लिखा रहता है बेस्ट बिफोर 6 मंथ, जो दुकान चलाते हैं वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि अब ये हो गया, पहले तो 36 मंथ हो जाए तो आपको खिला देते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा कर दिया है कि उसमें लिखा है 6 मंथ। तो ज़माना ये है कि बेस्ट बिफोर 6 मंथ, इस बेस्ट बिफोर 6 मंथ में सिर्फ एक ज़ात माँ की ऐसी है जिसकी मोहब्बत जो है कभी धुंधली नहीं होती, कभी जो है हल्की नहीं पड़ती और कभी ख़राब नहीं होती, एक जैसी होती है।
अब जमाने के इंतजार की वजह से कुछ बदल जाए तो भाई हम नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती है, ISI की गारंटी नहीं है, तो कैसे हम उसकी गारंटी लेंगे। बहरहाल जमाने के हिसाब से तो माँ की मोहब्बत को अफजल तरीन मोहब्बत करार दे दिया गया। ये मैंने क्यों आपके सामने जुमला बेस्ट बिफोर के लिए कहा कि जब भी कोई चीज़ प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट बनने के बाद आपने देखा होगा ख़ास तौर से जो टेक्निकल एरियाज में काम करते हैं, सेल्समैन का काम करते हैं या रैपिंग करते हैं, आजकल तो पूरा ज़माना उसी पे कितनी खूबसूरत रैपिंग कर दी जाए कि चाहे प्रोडक्ट अच्छा हो या ना हो। शादी से पहले प्रोडक्ट को देखिएगा, रैपिंग को मत देखिए। और रैपिंग को अगर आपने देखा तो फिर आप समझ जाइएगा क्या हाल होगा। उस ज़माने में भी लोगों ने नहीं छोड़ा था, मौला फलां घर की लड़की है बड़ी खूबसूरत है, वहाँ भी कहते थे तो मौला ने कहा कि भाई घूरे की उगी हुई घास कचरे पे भी उगी हुई घास होती है, समझना कि वो घास जो है कहाँ से अपनी गिरदा ले रही है। खड़ी तो है अभी, लेकिन जिसको हरा समझ के हम घर लाए थे उसने काला पीला बना दिया। तो संभल के जाइएगा, देखिएगा कहाँ जा रहे हैं आप। तो ये ज़माना इस किस्म का आ गया कि कोई चीज़ हम लेंगे तो उसके ऊपर ख़ास तौर से मतलब शायद इंडस्ट्रियल गुड्स जो रहता है उस पर एक चीज़ लिखी रहती है, मुशाहिदा। अपनी बात अपने हम लोगों का, क्योंकि मुशाहिदा बहुत करते थे और हम लोग को कोई जवाब देने वाला नहीं था, कि कोई जवाब दे रहा था उससे पूछते थे तो पूछना ही गज़ब कि भाई उस्ताद से कौन पूछे, उल्टा हुआ उनसे सवाल कर लेंगे ये डालेंगे वो। और इसलिए नहीं जवाब देते थे, इसलिए नहीं जवाब देते थे कि वो उम्र की अब नहीं हो कि तुम सवाल जवाब के मुतहम्मिल हो जाओ। तो अब यहाँ जो चीज़ आप खरीदते हैं उस पर एक चीज़ इसके तब इशारा है उस पर नहीं कराता है, ओके टेस्टेड। देखा आप लोगों ओके टेस्टेड, टेस्टेड का मतलब क्या है कि उसको क्वालिटी अश्योरेंस से गुजारा गया है, यानी 60 पावर का बल्ब है तो उसको लगा के मशीन से लाइट उसमें डाली गई है और देखा गया है कि ये 60 पावर को उठाने का मुतहम्मिल है कि नहीं, क्योंकि 60 में 200 डालेंगे तो पूरी है, ठीक है, या 200 में 60 डालेंगे तो बेचारा जलेगा ही नहीं। तो अब ये ओके टेस्टेड है, मैंने आपके सामने इसलिए इसको पेश किया कि आप सारी ज्यारतें पढ़ डालिए, लेकिन ये जो ज़ात है, ये जो हस्ती है कि जिसके लिए हम लोगों ने पहले बात की थी कि उन्होंने कहा कि हमने पूरी दुनिया तुम्हारे लिए बनाई है ऐ मेरे हबीब, फिर कहा कि देखो तुमको खल्क करना हमारा मकसद इसलिए हुआ कि हमको तुम्हारे जानशीन को खल्क करना था, और फिर कहा कि तुम दोनों को मैंने इसलिए खल्क किया है कि मुझे इसको खल्क करना मतलूब था। अच्छा भाई खल्क करना बनाना, तो आइए इस ज़ियारत को देखिए। अजीब वगरीब जब मैं ये ज़ियारत पढ़ता हूँ, दोनों ज़ियारतें आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे, और ये ज़ियारत तो उमूमन पढ़ी जा सकती है क्योंकि संडे को है ये ज़ियारत, ठीक है, लेकिन संडे को हमारा मिजाज क्या रहता है कि भैया एक दिन तो छुट्टी का मिला है तो सबसे बिजिएस्ट डे जो रहता है वो संडे रहता है सबको, और अगर कोई मर गया संडे को तो समझ जाइए हमारी जान निकल जाती है कि यार उसको दफन कर नहीं जाना पड़ेगा, जाएंगे वहाँ वो घुस लोगा और मजलिस होगी और कफन दफन होगा, जब वापस आएंगे आधा ठंडे खत्म हो जाएगा। हाँ हमारी कौम बहुत चालाक, बहुत दिमाग है उसकी। हमने हमारे मौलाना करारवी साहब से कहा, हसनैन करारवी साहब से, कि लोग मजलिस में लेट आते हैं ये नहीं करना चाहिए उनको, तो उन्होंने कहा भैया एकदम सही मौके पर आते, तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें तजुर्बा नहीं, तुम कब आते हो? मैंने कहा 12 बजे। वहाँ चालाकी नहीं पाई जाती, डालो फहम कुछ। हमने कहा क्यों? कहा लोग 12:45 आते हैं वजू करके, 10 मिनट फजाइल और मसाइल सुनते, उसके बाद अजान होती है, वहीं खा नमाज पढ़ते, नमाज के बाद फौरन खाना होता है, खाना खाते, उसके बाद दोस्तों से मिलते हैं, खिलाल करते हैं, पान खाते। कितनी देर लगी? हमने कहा 1 घंटा। कहा 1 घंटे में 4 काम किए,
हमने कहा आना चाहिए आप कि आप लोग तो हमसे ज़्यादा सीजनड हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं खाग, आप तो उसमें तप के भक्ति में से तजुर्बात की बाहर निकले। हम लोगों के पास तो वो खसूसियत है ही नहीं कि हम उससे तप के बाहर निकलें। हमें भी कुछ इनायत कीजिए, कुछ अता कीजिए, कुछ बताइए। उन्होंने कहा कि आप अता क्या करें। मजमा फोन करके पूछता है कि मौलाना साहब बैठ गए कि नहीं, और मौलाना साहब फोन करके पूछते हैं मरसिया खत्म हुआ कि हमारे कौम का ये हाल रहता है। दोनों फोन करते हैं, देखिए कितने कॉन्शियस है, इंग्लिश से कहते हैं कितने कॉन्शियस है, उनको मालूम है कि भाई बैठे खत्म हुआ मरसिया। दोनों मौलाना साहब बैठे अभी मरसिया कहाँ खत्म हुआ है, कल हमारे वहाँ तो मरसिया का ही कोई तस्वुर नहीं रह गया, और कुरान खानी का भी तस्वुर नहीं रह गया। कोई बंदा गैर मसलक से हमारे वहाँ आया था और उसको मालूम हुआ कल कुरान खानी, तो उसने फ़ोन करके कहा कि मैं मदरसे हसन पे खड़ा हूँ, दरवाज़ा बंद है। तो हमने कहा, कहने लगा कि भाई ये जो कुरान खानी होती है कब होती है। हमने कहा ये तो उनके अपने रिश्तेदार भी नहीं बता सकते कि कुरान खानी कब होती है, जिन्होंने रखा है। अब वो एक आदत बन चुकी है कि भाई कुरान अवलन कुरान खानी बाद, वो तो एक पॉइंट है। बहरहाल ये तो मिजाउल मोमिनीन था और एक हल्का सा टच था कि इंसान अपनी जिम्मेदारियों की तरफ जाए, एक आयत पढ़े कम से कम वो हक अदा करे। तो आप ये देखिए कि तमाम ज़्यारतें आप पढ़ेंगे एक तरफ, लेकिन जब ये ज़्यारत पढ़ेंगे तो अजीब व गरीब ज़्यारतें। सलाम हो आप पर, अस्सलाम अलैके या मुमतहनतो इम्तहनक लजी, ऐ वो हस्ती वो शख्सियत जिसका इम्तिहान उसके खल्क होने से पहले ले लिया गया। भाई एडमिशन होने के बाद, पढ़ाने के बाद ही तो इम्तिहान होता है, लेकिन ये एक शख्सियत पूरी कायनात में और पहली शख्सियत है कि जिसके लिए अल्लाह कह रहा है कि इसके लिए इन दोनों को पैदा किया मैंने, और ये कह रहा है कि उसकी, यहाँ पर इमाम जो जुमला अदा कर रहे हैं कि उसका इम्तिहान लिया गया कब, कब लिखे उसको खल्क किया जाता। और पूरी ज़्यारत आपके सामने पढ़ना मकसद नहीं है, सिर्फ एक जुमला और के वकुन तेल ममतहन के बेहिसा बेरतन, और अल्लाह ने उनको इस इम्तिहान में साबिर पाया। इम्तिहान कहाँ के लिए, आप कहेंगे कि ये दार इब्तिला, ये महल्ले आजमाइश ये है, लेकिन क्या इम्तिहान लिया गया जो इस दुनिया के वजूद में आने से पहले लिया गया, और जिसमें ये पाया गया कि जिसने इम्तिहान दिया वो 100% आप कहिए साबिर। ये जब आप जुमला सुनेंगे वाकई बड़ी मानवी बालीदगी, बड़े मानवी जो आपका जुमला है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में जब यहाँ आता है सबको मालूम है, और जुमला कहता भी है, क्या कहता है कि साहब हम तो इम्तिहान के लिए, ये जुमला कहता है, लेकिन जब इम्तिहान से गुजरता है, जहाँ उसने जजा फजा किया, जहाँ उसने इजहार किया, वहाँ पर उसका सवाब कम है, क्योंकि सब्र को अपने हाथ से खो दिया। तो करबला से एक सबक जो हमने सीखा है वो ये सीखा है कि सब्र को किसी भी मकाम पे नहीं खोना चाहिए। अब जब नहीं खोना चाहिए तो हम ये देखेंगे कि इसके लिए क्या कोई हमारे लिए नमूना अमल है। तो आपको पूरी दुनिया नमूना अमल मिलेगी, यानी सबसे पहले जिसकी जिस चीज़ की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ वो ये है कि इसके लिए एक मिसाल आपके कि आप एक रोज़ा रमज़ान के बाद रख के दिखाइए, एक रोज़ा रमज़ान के बाद रख, तो अजब वो रोज़ा आपके ऊपर भारी पड़ेगा, क्योंकि सब खा रहे हैं। और जब आपको ये एहसास हो जाए
कि सब रोजे से तो बड़ा रोजा आसान पड़ेगा, क्योंकि सब भाई वो सामने वाला भूखा है। अब इसको निगेटिविटी में भी ले लेते हैं आजकल, कि जब कोई बच्चा फेल होता है तो दूसरा बच्चा पूछता है क्या हुआ, तो कहता है मैं फेल हो गया, तो ये बच्चा बहुत खुश होता है, चलो अच्छा हुआ। तो उनके अब्बा ने कहा बेटा तुम पास नहीं हुए, फेल हो गए। कहना क्या करें अब्बा, 15 लोग फेल हो गए इस क्लास में, हम ही अकेले थोड़ी फेल हुए। अब्बा को उन्होंने दिलासा दिया कि 14 और भी जो मेरी लाइन में लगे हुए हैं फेलियर की, आप ये मत सोचिए कि मैं ही फेल हुआ, बल्कि इतने लोग हैं जो लगे हैं लाइन में। ये देखिए ये मनफी चीज़ें हैं जिसको ना लोग मुस्बत समझते हैं। तो इम्तिहान यही मसला होता है कि इम्तिहान को मुस्बत समझिए, वो मुस्बत समझते ही नहीं। उनका इम्तिहान इब्तिला परेशानी आजमाइश कहने लगे कि साहब वो हम ही पे आजमाइश क्यों पड़ती है, ऐसे लोग आएंगे वो सवाल हमसे ही क्यों सवाल किया जाता है, हमसे ही आजमाइश क्यों होती। मैंने कहा भाई 10वीं जमात में जिसने फॉर्म भरा है उसी से तो इम्तिहान दिया जाता है, आप क्यों आए इम्तिहान का ऑफर वर्क पर, आपके अलावा दूसरे भी हैं, कैसे हम लोग इम्तिहान दे रहे हैं। मैंने कहा अब आपको क्या बताएं, लोकमा खाने से पहले 10 मिनट बैठना पड़ेगा, आप दाना डाल दीजिए। तो वो बेचारा दाना जो है वो पानी से लड़ा ज़मीन से लड़ा बाहर निकला, बड़ी मुश्किलों से ज़मीन का सीना चीर के बाहर निकला। अब उस पर हवा चल रही है ठंडी ठंडी, अब उस पर बरसात हो रही है, अब उस पर सूरज की रोशनी, उस पर तारों की रोशनी, उसके ऊपर चाँद की रोशनी। और फिर उसके बाद जो है वो बड़ा हुआ तो अब उसमें लोहे से उसको काटा गया, वो मुकम्मल नहीं हुआ। काटने के बाद जो है जानवरों के अब तो सब अपैरेटस जो है वो हो गए, लेकिन वो डालते हैं कि भाई वो डाला गया, कुचला गया, रौंदा गया तो फिर बाहर निकला, अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद जो है उसको सिल में पीसा गया और अभी भी उसके अंदर कुछ कमी रह गई, तो फिर पानी उसमें मिलाया गया और उनको उसके बाद वो बेचारे ने इम्तिहान दिया, वो बूंदा गया और फिर लकड़ी ने उसमें सपोर्ट किया कि वो बेला गया, फिर लोहे में ने उसमें मदद की कि वो गरम गरम लोहे में डाला गया। अब जब एक लोकमा हमारे मोटों तक आया, ज़रा गौर कीजिए, हवा पानी आग मिट्टी सूरज की रोशनी लोहा जानवर इंसान पत्थर लकड़ी, इसीलिए तो कहा गया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि ये लोकमा जो पहुंचा है वो कितनी मुसीबतों के बाद। अगर उसको इसीलिए उन्जुर इला ताअमिका वशराबिक, अब उसको देखिए। लेकिन यहाँ इमाम के जुमला और कहते हैं आ गया बीच में तो आपके सामने अर्ज करो, उन्होंने कहा कि यहाँ पे सिर्फ इसका मतलब ये नहीं कि अपने खाने पानी को देखो, ये देखो कि तुम किस उस्ताद से इल्म हासिल कर रहे हो। उन्जुर इला ताअमिका, अगर गलत उस्ताद से इल्म हासिल कर रहे हो, जो आज हमारे बच्चे इल्म हासिल कर रहे हैं वो कुछ नहीं है, दरअसल क्या है कुछ भी नहीं है, उसमें कोई मॉर्निटी नहीं, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट का, सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट का खरीदना है। शुरुआत तो आलिम से होती है, शुरुआत तो माँ से होती, माँ को कहा गया दरसगाह बताया गया कि आप उसको पढ़ाइए। देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें क्या कहा गया कि मादरी जबान 5 साल तक पढ़ाई जाए और माँ बाप पढ़ाए उसको, क्योंकि हमें मादरी जबान आती ही नहीं। हमारा बच्चा तो ए फॉर एप्पल पढ़ता तो हम बहुत खुश होते हैं, अरे वाह हमारे बच्चा पर इंग्लैंड अमरीका वाला हो गया, अब अंग्रेजी बोलने लगा, 56 करोड़ की चौथाई हमारे घर में आई गिरेगी। उनको नहीं मालूम है कि वो 56 करोड़ देंगे और उसका डबल वसूल भी कर लेंगे, ये कैफियत है उनकी। तो माँ की यहाँ पे अजमत ये आई कि अगर उसमें सब्र का मानता है, और सब्र के अपोजिट क्या है, सब्र के अपोजिट जल्दबाजी, और मामला तो जल्दबाजी से ख़राब होता है सारे मामला। तो हम जिस शख्सियत के बारे में जानना चाहते हैं बहैसियत माँ के, उसकी ज़िंदगी को हम देखें,
उसकी ज़िंदगी को अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपने सुना होगा, रिसर्च कीजिए इसको, आपने सुना होगा कि वो चक्कियाँ पीसती थी और गट्ठे हाथ में पड़ गए थे। तो ये छः आदमियों का खाना बनाने में गट्ठे हाथ में पड़ जाते, छः आदमी का खाना नहीं, 600 आदमी का खाना या 60 आदमी का खाना, क्योंकि जो घर पे आते थे वो सलाम करते थे मैं यतीम हूँ, मैं असीर हूँ। ये वाक़ आपको अजीब वगैरह हमारे उस्ताद सुनाते थे, एक फिजा ने आगे कहा सैयद आलमिया हज़रत फातिमा को ज़हरा सलाम एक बच्चा आया है जो बेहोश है आपके दरवाजे पर, बाहर आप निकली फौरन उसको घर के अंदर लाई, पानी छिड़का, क्या बेटा तुम किस खानदान के चक्कू चिराग हो, तुम बेहोश क्यों हो गए? उसने कहा मेरा बाप जंग में मारा गया, मेरी माँ बीमार है, 3 दिन से वो गश में, मुझे 3 दिन से खाने को नहीं मिला, मैं उसको कोई दवा भी नहीं दे सकता क्योंकि मेरी उम्र ऐसी नहीं कि मैं दवा लाऊँ, ना मेरे पास पैसे। आज जब गश इफाका हुआ तो उसने मुझसे कहा कि इसी घर को दीवार पकड़े आखिरी घर को पहुँच जाओ, वहाँ तुमको खाना ज़रूर मिल जाए। लीजिए दिल तड़प गया, फौरन जौ पीसी गई, उसी वक्त खाना दिया, तो जनाब फातिमा ने बिठा के अपनी गोद में उसको खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद हमारे और उनके अंदर देखे, तो खाना खिलाने के बाद उसको खड़ा किया, पहली बात खड़े होने के लायक हुआ, कहा बेटा अपना दामन उठा लिया, उठा लिया तो बाप की सारी रोटियाँ रख दी उसने, और कहा कि देखो बेटा अब तुमको कभी भी भूख लगे ना तो तुम मेहमान आ जाओ। ये इशार, ये कुर्बानी का जज्बा, ये बच्चों के साथ बैठ के पिछले साल मैं अर्ज कर चुका हूँ, तो तरबियत किसे कहते हैं, तो मैंने वही आपके लिए कहा था और फिर उसी को यहाँ दोहरा दूँ कि तरबियत इसीलिए कहते हैं कि उन्होंने ये जुमला कहा कि बेटा हसन आज तुम्हारे नानी ने क्या तकरीर की, देखो बेटा हसन अपने बाप अली की तरह बनना। मैंने पिछले साल देखा था, क्या कोई माँ है इस जमाने में जो कहे बेटा अपने बाप की तरह बनो? बीवी का आलम तो ये है, कह रही कि तुम कौन से यूसुफ जमा हो, और शौहर कह रहा है कि हमारी तो किस्मत ही फूट गई तुम चचा की तरह। अगर ये कैफियत है तो आप बच्चे की तरबियत कैसे? लेकिन अगर ये कैफियत है कि माँ ये कह रही कि बेटा अपने बाप अली की तरह बनना, कोई फजीलत का एक छोटा सा मौका, कितनी मोहब्बत है देखिए ना, सिर्फ खाली मोहब्बत की बुनियाद पर नहीं, खालिस वसीयत की बुनियाद पर, कि पूछने वाला पूछ रहा है कौन सा अली है, अली तो शहीद कर दिया गया, तो फिर सैयद सज्जाद क्या कह रहे हैं कि मेरे को आप सब लोगों का नाम अली, आपका नाम अली है, रूज का नाम अली है, तुम्हारा नाम अली, असगर उनका नाम अली, कहा मेरे बाप को अली नाम से इतनी मोहब्बत थी कि अगर उनके 100 लड़के होते तो वह हर लड़के का नाम अली रखते, और फातिमा के नाम से इतनी मोहब्बत थी कि अगर 100 लड़कियां होती तो उनका नाम फातिमा रखा, दे फातिमा सुगरा, फातिमा कुबरा। ये कैफियत है, ये किस बुनियाद पर मोहब्बत है, ये किस बुनियाद, ये उस तरबियत की बुनियाद पर मोहब्बत है। देखिए एक तो ये है कि आप किस बुनियाद पे करें, मैं बड़ा हूँ करा लीजिए आप अपनी इज्जत, बहुत ज़्यादा हद तक नहीं 15-16 साल, लेकिन जब वो आपके अमल और कौल और फेल में तजाद पाएगा तो वो समझ जाएगा कि भाई ये मसला गर्म है, और अगर वो ये पा लेगा कि जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं और जो कर रहे हैं वो कह रहे हैं, तो फिर उसका आलम यह होगा जो जनाब अली अकबर का पीछे 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 पीछे। हमारे वहाँ जिस चीज़ की बहुत ज़रूरत है वो है अमली तरबियत की, ज़बानी तरबियत तो बहुत है, आपको मिल जाएगी, किताबें मिल जाएंगी, लेकिन वही मसला है ना कि कुरान मिल गया लेकिन इमाम नहीं मिला, तो पूरी कौम भटक रही है, पूरी कौम भटक रही है, कि वहाँ भी इमाम था तो इमाम को लेने की कोशिश नहीं की, हसबुनल्लाह किताब, किताब हमारे लिए काफ़ी है, देखिए
तो काफी का चाय भी नहीं हुई। ये कैफियत उन्होंने कहा भाई हमारे लिए ये चीज काफी। और एक बार आम में जब पूछा गए जाके दरियाफ्त किए, तो यहाँ पर जिस चीज की जरूरत है वो है सब्र की। आपने एक चीज देखी होगी, हर लफ्ज के साथ अरबी में दूसरा लफ्ज उसकी सिमिलैरिटी में होता है। मुतरादिफात वो अल्फाज हैं, उलमा तायीद करेंगे, जिनका इस्तेमाल करना तो बहुत अच्छी बात नहीं होती। आप लोग तो समझेंगे नहीं कि मैं मुतरादिफात क्या बोल रहा हूँ, उलमा समझेंगे। मुतरादिफ वर्ड जो इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सिनोनिम्स, सिमिलर वर्ड्स, एक जैसे अल्फाज, तो वो कहते हैं कि अरबी में एक जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करना है, आप एक जैसे अल्फाज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप एक जैसे अल्फाज को लाएं तो आपको मालूम पड़ेगा। उन्होंने कहा साहब हमारे पास इल्म आ गया है, तो फौरन मौलाना का नहीं नहीं इसके साथ भी लगा हुआ है, अगर इल्म है तो उसके साथ हिल्म भी है। हिल्म है पहले सामने वाले के को तो बर्दाश्त करने की कुव्वत, सामने वाला क्या कह रहा है उसको बर्दाश्त करने की कुव्वत। और मिसाल के जरिए समझाया जाए तो बहुत आसान है, इल्म बहसियत दूध के और हिल्म बहसियत कटोरे के लिए, वो चीज़ इसमें रखी जाती। अब कटोरा है ही नहीं तो दूध लेके हथेली में क्या करें। तो बच्चे को तो पहले ये सिखाया जाए कि बेटा इल्म किसे कहें, तब जाएगा वो फिर इल्म सीखेगा, थोड़ा सा सीखे, ज़्यादा सीखने की ज़रूरत ही क्या है, थोड़ा सा इतना सीखे, इतना सीखे कि मौला को जुमला इतना इल्म हासिल कर दो जो तुम्हें अच्छे और बुरे की तमीज करना सिखाने। ये कैफियत। और फिर उसके बाद जो अभी हमने आपको बताया कि सब्र है, लेकिन सब्र के माना क्या है, वो असल माना है कि जब वो आदमी गुजरेगा, वही ओके टेस्टेड वाली बात, कि जब उसको गुजारा गया फिर उस वक्त उसको अज़्म बिल जज़्म लाना है। अज़्म तो ये कि खड़े हो गए है कि निकले पानी में, बाहर में निकला, और जब जोर से मौसेदार बरसात हुई तो पीछे हट गए। अब मैंने मिसाल आपके लिए इसीलिए पेश की कि मोहम्मद इब्ने हनफिया को क्या कहा, जाओ आगे, और निकले तलवार लेके और फिर वापस आए। और उन्होंने कहा कि अब्बा जान क्या बताऊँ, अभी तीर के हमला जो तीर के जो तीरों का हमला बड़ा शदीद है। तो फिर मौलाना ने एक मरतबा कहा, दो मरतबा कहा, और जब हमें दो मरतबा ये जवाब दिया तो उन्होंने तो तलवार का पीछे का जो हिस्सा रहता उसको सीने पे रख के कहा कि तेरी माँ का असर है, ऐसे हमला करते हो, निकाला तलवार और फिर यहाँ से वहाँ तक, जब पलटे तो बस खून ही खून था जो टपक रहा। तो अज़्म बिल जज़्म कहाँ से लाएगा, कल मैंने आपको ये बात बता दी कि अज़्म बिल जज़्म कहाँ से आए। आज मैं आपको रवायत भी बताता हूँ, रोने वाली वो रवायत है। लेकिन पता है मैं अपने वतन गया था इलाहाबाद, वहाँ मैंने ये दो पर्चे पाए थे, कहाँ से ये रवायत है इसके मैं नहीं बता सकता, यानी इसकी ऑथेंटिसिटी है कि नहीं। लेकिन उलमा जब मसायब पढ़ते हैं तो उसका तस्करा ज़रूर करते हैं। खसाइस में भी जो है मक्तल के अंदर भी कहीं कहीं ये वाक़ मिल जाते हैं, अजीब व गरीब वाक़ है। रोने के अलावा आप इससे और बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, इसलिए मैं बिना मसायब पढ़े हुए बीच में इस चीज़ को ला रहा हूँ। देखिए अज़्म बिल जज़्म, माँ का अज़्म बिल जज़्म ये है कि दो पसलियाँ टूटी हुई हैं और उसमें मसाला पीसा जा रहा है, उसमें कुएं से पानी निकाला जा रहा है, उसमें पूरे घर की झाड़ू दी जा रही है, उसमें अपने बच्चों के कपड़े धोए जा रहे हैं। क्या घर था कि शौहर को मालूम था कि बीवी की दो पसलियाँ टूटी, लेकिन शौहर ने कभी पूछा नहीं और बीवी ने कभी बताया नहीं। कभी अकेले बैठ के ना ये बेहतरीन रिश्ते को समझ के, दुनिया के बेहतरीन ऐसा आपको रिश्ता पूरी दुनिया में कभी मिल ही नहीं सकता, इस रिश्ते के अलावा आपको कोई रिश्ता नहीं मिलता। तो ये रवायत क्या थी, ये जब 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 अज़्म बिल जज़्म इंसान अपने बाप से देखता है, इंसान अपने दादा नाना से देखता है, तो उसके अंदर ये कैफियत होती है। पहली मरतबा, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा, फिर उसका हमारे यूपी में कहते हैं हे वाओ, वो टूट जाता है कि अब मैं बाहर निकला, अब मैं गया। यही स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए,
यही मेंबर पे भी होना चाहिए, लेकिन मसला होता है मेंबर पे जब आदमी जोर से कोई बोलने लगता है तो वो बोल देता है जो उसको नहीं बोलना चाहिए, तो उसको हम लोग तलाकते लिसानी कहते हैं। तलाकते लिसानी और बात है और अकलमंदी से बातें करना और बात। अब यहाँ देखिए जिस चीज़ को मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, इमाम हुसैन सलाम ज़मीन पर तशरीफ ला चुके और कोई भी आदमी जो आगे 10 अफराद बढ़े थे उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी, तो सब आगे पीछे हो रहे थे। तो फिर कुछ लोग उमर साद के पास, और ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप हजारों मोटिवेशनल वीडियोस देख लीजिएगा, सब सब बकवास, सारे मोटिवेशन बेकार। इस एक वाक्य के आगे मैं इसको किसी और मौके में पढ़ना चाहता था, लेकिन चूंकि यहाँ आ गया कि माँ से मिले हुए अज़्म बिल जज़्म का असर बेटे में क्या होता है ये बताना चाहता हूँ। जब ज़मीन पर तशरीफ लाए जब लोगों ने जाके क्या कहा हमारे साथ से कि हमको डर लग रहा है, इसको महसूस किया। देखिए शेर भी अगर गिर जाता है ना जख्मियों के तो इंसान डरता है कि उसके पास जाएंगे तो क्या हाल होगा, तो अब सबकी हालत ख़राब है हम क्या करें। तो उमर साद ने कहा तुम्हें काम उनके खैमे की तरफ कुछ घोड़ों को भेजो, क्योंकि वो एक चीज़ जानता था। उसने कहा कि हुसैन बड़े गैरतदार हैं, बड़े गैरतदार हैं, बहुत बड़ा वो है सबक छुपा हुआ है जिसको आपकी तरफ इशारा नहीं। यही जुमला कहा गया कि जितना बड़ा जो आदमी ईमानदार होगा उतना बड़ा वो आदमी गैरतदार भी होगा, ये दिखा हुआ है। और उनकी जो अमीरुल मोमिनीन हो और उनकी औलादें हों तो उनकी कैफियत क्या होगी। तो जब मौला को वो घोड़ों के चलने की आवाज़ आई, इससे बड़ा जुमला जब आप कभी मायूसी आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं और आपको लगे कि भाई अब आप आगे नहीं बढ़ सकते, सब छीन गया, क्योंकि आने वाले दौर में यही होगा, आप तैयार हो जाइए मुसीबतें उठाने के लिए। खुद इमाम हुसैन सलाम ने आके पहले क्या कहा था, मुसीबतें उठाने के लिए तैयार हो जाओ, अपने अपने मकना और चादर काम क्या कहते हैं अपने बच्चों से, बेटा आसान सवाल आएंगे तुम्हारे लिए, बेटा बहुत आसान है नहीं, उनको कहिए टफ आएंगे, जब आप उनको टफ देंगे तब उनके लिए जो होगा इजी एकदम इजी हो जाएगा। उनको बताइए कि आपको सख्त सख्त रहना है आगे बढ़ना है। जब इमाम को यह मालूम पड़ा तो तारीख में ये लिखा हुआ है, रवायतें बताती कि हाथ रख के इमाम से ऐसा नहीं हो सकते, इसलिए आपने कोहनी को ज़मीन पर टेका और बुलंद हुए नशेब से। ये वो आदमी जिसने बैठ के जंग की तो 358 लोगों को मारा था बैठ के ज़मीन पर, तो बुलंद हुए और कहा अभी मैं से हुआ। मैं आपको अपना मोटिवेशनल सोर्स बताता हूँ कि मुझे कहाँ से ताकत, मुझे इस मंजर से ताकत मिली। जब मैं सोचता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में सब ख़त्म हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो अकेले बैठ के इस मंजर को सोचता हूँ, कहता हूँ मौला आपने ये मंजर हमको देख के बता दिया कि अभी तो हम बहुत ताकत रखते हैं, आप तो इस आलम में के 1851 जख्म आपके जिस्म पर थे, आप खड़े हो गए बुलंद हो गए, अब बताइए इससे ज़्यादा मोटिवेशन देने वाला, ताकत देने वाला, इंसान को हिम्मत बनाने वाला कोई वाक्य आपको बता सकते हैं। जिसके पास इमाम हुसैन अली सलाम जैसी मोटिवेशनल फोर्स हो उसके लिए कोई आदमी कोई, आप ये नहीं कह सकते कि ये मायूस हो गया और ये नाकाम हो गया और नामुराद हो गया, नहीं। इमाम हुसैन उस शख्सियत का नाम है जो मायूसियों की तारीखियों से उजाले को खींची, उस शख्सियत का नाम। लेकिन इस शख्सियत को बनाने के लिए जिस शख्सियत का हम तज़किरा कर रहे हैं उनका नाम जनाब फातिमा तुज़ज़हरा सलाम। तो हम जब हम ऐसी अजीम शख्सियत का तज़किरा करते हैं और उनकी ज़िंदगी से बहुत सारी चीज़ें लेने की कोशिश करते हैं, तो उसमें से एक चीज़ और है बहुत अहम जो हम लोगों ने छोड़ दी है ना, करोड़ों रुपए की जायदाद, बहुत बहुत बारीक और बड़े अजीब नुक्ते की तरफ आपका इशारा है। हिंदुस्तान में शियों की करोड़ों रुपए की जायदाद है, अरबों खरबों रुपए की, आधे लोग उसको बेच कर चले गए,
पाकिस्तान छोड़ के चले गए। आधे जो बचे उन्हें मालूम ही नहीं कि उनकी प्रॉपर्टी कहाँ है। हैदर अली की हुकूमत थी, टीपू सुल्तान की हुकूमत थी, मैसूर ने इतना ज़बरदस्त इलाका कवर अप किया था शुरू में वहाँ का। अगर आप जाके देखिए हैदराबाद शियाई बादशाह ने तो बसाया है, हैदराबाद नाम रखा था। 16 बादशाह हुए उस इलाके में हुकूमत की। आप अवध में जाके देखिए उन्होंने हुकूमत की। हमारी क्या हुआ भाई, मैंने जो आपको कहा कि हम अपनी प्रॉपर्टी कहाँ है हमें मालूम नहीं, हम जाना ही नहीं चाहते, छोड़ दिया हमने, कुछ चीज़ भी लेना चाहते। गवर्नमेंट में हमारी क्या हैसियत है हम नहीं चाहते, शियों की क्या हैसियत है हम नहीं चाहते, ना हमको ज़रूरत है वहाँ पर जाने, जबकि हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम जाएं देखें कि हमारी प्रॉपर्टी कहाँ है, हम जाएं देखें कि हमारी असलियत कहाँ है, कहाँ को खाली कहते हैं फला जगह था वहाँ था हमने। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बीबी भी अपना हक लेने खलीफा के दरबार में पहुँची थी, और जब दरबार में पहुँची थी तो खाली अपने हक का मुतालबा नहीं किया था, अली के हक का भी मुतालबा किया था कि तुमको शैतान ने बहका दिया है। बताइए कि एक वो औरत कि अंधेरी रात में जो अपने बाप की कब्र पे जाती हो अंधेरी रात में, और उसका भी चराग गुल कर दिया जाता है, लेकिन जब हक लेने की बात आई तो कहा देखो अपना हक लेने जाओ जैसे मैं जा रही हूँ, छोड़ो नहीं, सोचो कि हम अपना हक कहाँ से भर लीजिए, जाइए। ये जो हमारे वहाँ एक फिक्र आ गई है कि हमें क्या ज़रूरत है, हम अलग रहेंगे, हम अकेले में काफ़ी नहीं, इनफरादी तौर पर कामयाब है ना, इज्तमाही तौर पर, इनफरादी तौर पर तो इमाम हुसैन भी कामयाब थे, अपने तौर पर थे, ज़रूरत क्या थी वहाँ जाने की, लेकिन गए क्यों, इज्तमाहीत के बिना आपकी इनफरादी हैसियत कुछ नहीं। और ये नूर जो है ना, इमाम हुसैन नूर थे। नूर की खसूसियत क्या होती है, जब नूर शमा रोशन होती तो परवाने करीब आ जाते, ये शियों की हैसियत है, इसलिए इमाम ये क्या है फर्श ऐसा, ये वही जिक्र शमशम है जिक्र हुसैन के, जो चाहने वाले परवाने और करीब आ जाते, बुझा दिया जाए तो वो लोग तारीफ करें, लेकिन जनाब फातिमा ज़हरा ने कहा अपनी अपने पेपर्स बनाओ, अपना दावा करो, अक्ल से काम लो, जब तुम्हारे सामने कोई चीज़ पेश हो तो गौर से सुनो, सामने वाला पूछे तो उसको वैसा जवाब दो। क्या क्या कहा था उन्होंने, जब उन्होंने कहा कि गवाह लाइए तो उस पर जनाब फातिमा ने कहा जिसका कब्जा होता है वो थोड़ी गवाह लाता है, कब्जा तो मेरा था, गवाह तो तुम लेके आओ कि तुम्हारी ये चीज़ है। कितनी बताइए आज हमारे जमाने में ये तमाम चीज़ें हैं लेकिन हम लोग इसको नहीं जानते। जनाब फातिमा ने अज़्म बिल जज़्म, बस आपकी ज़हमत है, तमाम मसाइब भी उन्हीं का पढ़ने का नतीजा है, आखिर आखिर में रिश्तेदारों के साथ सुलूक, बेटों के साथ सुलूक, उस शिकस्ता पहलू को लिए लिए तमाम घरों में रात में जाना और अली के हक का मुतालबा करना। ये जो हम लोग मजलिसों में जाते हैं मातम करते हैं, ये दरअसल उसी की एक तासी है कि मौला हम हाजिर हैं, हम आपके साथ हैं मौला, आपको हम छोड़ के अलग नहीं। टेक्निक टैक्टिक सीखिए शहादत से कि शहादत हो गई तो सब लोग इस इंतजार में थे कि कब्र से लाश को बाहर निकाला जाए, लेकिन उन्होंने अब बताइए घर का घर तो मिला हुआ था, खाली दीवार थी, दीवार के उस पार। तो बच्चों को ये कहा गया कि बेटा अगर जोर से रोए ना तो तुम्हारी माँ के कब्र को खोद डाला जाए। मैं तो कहता हूँ जनाब सकीना से के बजाय कभी उनमें कुलसूम के मसायब भी सुन कि माँ मर गई लेकिन सिसकी तक बाहर गई,
इसलिए कि अदर, और वहाँ पे इन लोगों ने क्या किया कि आज तदफीन नहीं होगी, अभी तदफीन नहीं होगी, आप तमाम हजरात अपने घरों को चले जाएं। और जब सब पब्लिक चली गई तो फिर अब रात की तारीकी के अंदर उसको 5, 6, 10 जो भी थे उन लोगों ने उठाया, और कितनी खामोशी से उठाया, जनाजा ऐसे ही निकल गया। जब किसी भरे घर से जनाजा निकलता है तो रोने की आवाज़ आती है, लेकिन ये पहला घर रोने की आवाज़, ये पहला घर है जनाबे उन्होंने बोल सुनना जहाँ रोने की आवाज़ नहीं है। ये कैफियत है जनाबे, और अब ये कैफियत है कि पहले के हालात एक दूसरे के साथ क्या है, शहादत के मौके पर देखिए, शहादत से पहले के जो हालात हैं आप देखिए कि एक पलंग के ऊपर जनाबे फातिमा हैं और चार सराने जनाबे अमीरुल मोमिनीन हैं, जनाबे हजरत हसनैन हैं, जनाबे फातिमा उम्मत कुलसुम चारों तरफ से घेरे हुए हैं। अब उस वक्त अमीरुल मोमिनीन ने एक सवाल किया, क्या सवाल किया, और देखिए बातें हो रही हैं आपस में, कहा सुना अली लोग तुमको सलाम नहीं करते। उन्होंने कहा कि नहीं बात ये नहीं है, बल्कि अगर मैं सलाम कर लेता हूँ तो वो सलाम का जवाब नहीं है। और उन्होंने कहा कि बीबी ये जो आप ये जो तस्बीह पढ़ती है तो उसमें जल्दी जल्दी क्यों नहीं पढ़ती। तो कहा कि चूंकि उंगलियां मेरी सूज गई हैं, तासियाने मारे गए कि उंगलियां मेरी सूज गई हैं, अब मेरी उंगलियों में इतनी सकत नहीं है कि मैं उंगलियों को तस्बीह पढ़ सकूं। तो फिर उस वक्त ख्वाहिश का इजहार किया, मैं कहता हूँ कि हसरतें हैं ये देखे जुमले, कहा बीबी क्या इस वक्त आपकी कोई ख्वाहिश है, कहा मेरे बेटे पे मेहंदी का जरूर मेरी दुआ। और रवायतें क्या बताती हैं कि पलंग पर लेटी हुई जनाबे फातिमा, अरबी में लफ्ज है कानतन लिशबा, के जिस्म में कुछ रह नहीं गया था, जनाबे फातिमा का जिस्म एक साया बन चुका, सर के सारे बाल सफेद, कमर झुकी हुई, पैरों शिकस्ता, आंखें बेनूर, सिर्फ हड्डियां बाकी बची हैं। और ये कैफियत ये जुमला कहे मेरी ख्वाहिश का इजहार है दुश्मनों के दरमियान, मैं कहूँगा बीबी आप बड़ी खुशनसीब थी, आपका जनाजा रात की तारीकी में उठा है तो आपके शौहर मौजूद थे, बच्चे मौजूद थे, आपके चाहने वालों ने चुपके से, लेकिन आइए आपके बेटे का जनाजा या आपकी उस पोती का जनाजा के जब जिंदान में उठाया गया तो किस आलम में यहाँ गहवारा नहीं था, सैयद सज्जाद ने अपने हाथों में उठाया हुआ था, हाथों में हथकड़ी पांव में तेरी, बच्ची का जनाजा हाथ में, सकीना ने ये वसीयत की थी, ए भैया मुझे ऐसी जगह पर दफन कीजिएगा जहाँ की भी जगह हो, जहाँ गर्म जगह हो। तो पूछने वाले भाई ने पूछा तभी भी ये वसीयत क्यों कर रही हो, कहा मुझे पानी नहीं मिला, मेरी हड्डियों में प्यास उतर गई है, अगर वो नर्म जगह पर होगी तो मेरी हड्डियों को नरमी महसूस होगी, लीजिए नमी महसूस होगी। इसी ने लिखा है जब इस जनाजे को ले जाया गया अब से दो हाथ बाहर निकले, ए सैयद सज्जाद लाओ मेरी अमानत को, मुझे वापस कर दो, लीजिए सकीना को कब्र के हवाले किया गया। लेकिन मैं कहूँगा उस माँ से पूछिए जिसकी दोनों कमाई उजड़ गई, से
सकीना भी जिंदा मस हो गई, अली असगर भी शहीद हो गया। शायद यही वजह थी कि आप हमेशा दिन की धूप में बैठती थी और रात की तारीखी में जेरे आसमान रहती थी, आगे नहीं बढ़ती थी। और जब आके सैयद सज्जाद ने जुमला कहा कि आगे तशरीफ ले चलिए, तो कहा बेटा बेटा मैंने अपने वाली से वादा किया है कि मैं कभी धूप में नहीं बैठूंगी, क्योंकि मैंने वो जनाजा देखा है। और एक बच्चे से वादा किया है क्योंकि बच्चे को पानी नहीं मिला। अब तुम ये बताओ कि ये तुम्हारा हुक्म है बहसियत इमाम, या तुम बहसियत लेके दरख्वास्त कर रहे हो। सैयद सज्जाद के दिल में अजब हाल हुआ। एक मरतबा सैयद सज्जाद ने कहा, ए अम्मा जान, मैं आपको इमाम प्राप्त होने की हैसियत से ये हुक्म देता हूँ कि आप छाँव में चलिए। लीजिए अब आप बुलंद हुई, अपने दोनों हाथों को बुलंद किया। ए खुदा, एक तेरे वली से वादा किया है कभी छाए में नहीं बैठूंगी, और एक तेरे इमाम का हुक्म है कि साए में जाओ। ए मौला, मेरे वादे की लाज रख लेना। ए मौला, मेरे इमाम के हुक्म की लाज रख लेना। लीजिए एक कदम छाए में था, एक कदम धूप में था, एक मतलब चकरा के गिरी। कितने समय सैयद सज्जाद आगे बढ़े, ए अम्मा के बसरा आ गई। लीजिए अपने वादे से किया हुआ वादा। अरे मैं कल मैं हश्र के दिन जब मैं अपनी सास फातिमा कुबरा के पास जाऊंगी, कहूंगी ए बीबी मैं आपसे शर्मिंदा नहीं हूँ।